जय हिंद दोस्तों, यस के नॉलेज में आपका स्वागत है। केंद्र गृह मंत्रालय के नई गाइडलाइन के अनुसार हथियार रखने एवं चलाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है और शादी समारोह या अन्य धार्मिक स्थलों पर अगर आप खुशी में लाइसेंसी हथियार से फायरिंग कर दी तो 2 साल की कैद व 1,00,000 रुपए का जुर्माना अथवा दोनों ही हो सकता है। तो दोस्तों अंत तक हमारे इस वीडियो पर बने रहें। हाय दोस्तों, मेरा नाम है सुनील, तो चलिए शुरू करते हैं। शादी समारोह या अन्य धार्मिक स्थलों पर अगर आप खुशी में लाइसेंसी हथियार से फायरिंग की तो 2 साल की कैद एवं 1,00,000 रुपए जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। पंजाब पुलिस की ओर से जारी नए आर्म एक्ट में संशोधन कर इसका प्रावधान किया गया है। नए कानून के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति 2 से ज्यादा लाइसेंसी हथियार नहीं रख सकता है। अगर किसी के पास 2 से ज्यादा लाइसेंसी हथियार है तो उसे उसके निकटतम थाने या आर्म डीलर के पास जमा कराना होगा। भारत सरकार ने पुलिस अधिकारियों को संशोधित कानून के तहत कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। सेना के अधिकारियों एवं सैनिकों पर भी संशोधित आर्म एक्ट 2019 लागू होगा। जवानों को अपनी यूनिट में 1 साल के अंदर अतिरिक्त हथियार जमा कराना होगा। अब आर्म लाइसेंस की मियाद 3 साल की जगह 5 साल की हो गई है। नए संशोधन के अनुसार कोई व्यक्ति लोगों के बीच धार्मिक स्थान, विवाह समारोह आदि में फायरिंग करता है तो इससे मानवीय जिंदगी या लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। वहीं पुलिस या सेना के मुलाजिम से हथियार छीनने पर अब 10 साल की कैद हो सकती है। पंजाब के लोगों में हथियार रखने का शौक इस हद तक बढ़ गया है कि सूबे में औसतन हर 18वें परिवार के पास लाइसेंसी हथियार है। अवैध हथियार अलग है। मालवा क्षेत्र में लोग हथियारों के सबसे ज्यादा शौकीन है। हथियारों में पंजाब के ज्यादातर युवाओं की पहली पसंद 0.32 बोर का कानपुरी रिवाल्वर है। हथियार रखने के मामले में पंजाब देश में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है। करीब 2 दशक पहले फिरोजपुर से अपराध जगत के सरगना दाऊद इब्राहिम के गुर्गो को भी लाइसेंसी हथियार जारी हो गए थे। यह तथ्य CBI की जांच के दौरान सामने आए थे। तो दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।